कोई ऐसा कॉलम है जिसका लेंथ उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा कॉलम है जिसका लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हम इसे नीचे से भी फिक्स करके दिखा देते हैं, नीचे से भी फिक्स करके दिखा देते हैं, ये फिक्स होने का सिंबल है, यहाँ से हमारा कॉलम फिक्स है। तो ये कॉलम जैसा लग नहीं रहा है, कॉलम जैसा तभी लगेगा जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारा यूलर्स थ्योरी ये कहता है कि जो हमारा जो कॉलम है, हमारा जो कॉलम है उसका लेंथ, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लंबी होगी तभी हम उसे यूलर्स थ्योरी में काउंट करेंगे और तभी हम उसे कॉलम कहेंगे, ऐसा हमारा यूलर्स थ्योरी कहता है। अब ऐसा कहने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इस पे लगाया लोड, अगर मैं इस पे लगाया लोड, तो लोड लगाऊंगा तो इसका कंप्रेशन होगा, जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा तो इसका कंप्रेशन होगा और मेरा जो बॉडी है डिफॉर्म होने के बाद, मेरा बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्म होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मेरा बॉडी दबने के बाद जो मैं ब्लू कलर से शो किया हूँ उस टाइप का दिखेगा, उसका मटेरियल कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए उसकी चौड़ाई बढ़ गई है और उसकी लेंथ घट गई है। तो ये बेसिकली कंप्रेशन हो गया, आपका कंप्रेशन हो गया, और जो आपका यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन है उसमें ये नहीं चाहता कि आपका उसमें कंप्रेशन हो, वो चाहता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग या बकलिंग हो। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूलर्स थ्योरी पे किस प्रकार के लोडिंग लगती है, पर फिलहाल आप ये जान लो कि यूलर्स थ्योरी इस चीज़ के लिए नहीं बना है कि आप इस पे कंप्रेशन कर लिए, है ना। हमारा ये जो इतना लंबा सा जो बीम है, सॉरी, हमारा जो इतना लंबा सा जो कॉलम है, ये कॉलम जो इतना लंबा है ये डायरेक्टली कंप्रेस इस तरीके का नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली कंप्रेस इस तरीके से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, इस कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे इस टाइप से कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके कॉलम की लेंथ छोटी है तो वो बेंड भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके कॉलम की लेंथ छोटी है तो वो बेंड नहीं होगा, वो सिर्फ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ एजम्पशन, ठीक है। फिफ्थ एजम्पशन कहता है कि इसका कोई सेल्फ वेट है ही नहीं, कहने का मतलब जो आपका जो कोई भी ऐसी चीज थोड़ी होती है कि जिसका कोई सेल्फ वेट नहीं होता, ठीक है, जिस पे लोड लग रही है ये उसे सेल्फ वेट नहीं कह रहा है, जो पी लोड यहाँ पर लग रहा है ये उसे सेल्फ वेट नहीं कह रहा है, ये सेल्फ वेट किसे कह रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम का वेट, इस पर्टिकुलर कॉलम का वेट है ही नहीं, ऐसा ये नेगलेक्ट कर रहा है। पर अगर आप रियल केसेस में देखोगे, प्रैक्टिकल केसेस में देखोगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिस पे लोड लग रहा है उसका एक खुद का भी एक सेल्फ वेट तो होता ही है, तो उस चीज़ को ये यूलर्स थ्योरी अपने में कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। लास्ट लास्ट जो इसका एजम्पशन है वो ये है कि कॉलम आपका स्ट्रेट है बिफोर लोडिंग, ठीक है, मतलब कि हमारी थ्योरी तभी काम करेगी जब हम लोड लगाने के पहले हमारा कॉलम स्ट्रेट था, ये नहीं कि हमारा कॉलम थोड़ा सा बेंड है, हमारा कॉलम कुछ इस तरीके का बेंड है और हम उस पे फिर लोड लगा रहे हैं और उसके बाद यूलर्स थ्योरी से चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज आती है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा कॉलम लोड लगने के पहले भी स्ट्रेट रहना चाहिए, हमारा कॉलम लोड लगने के पहले स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, वो बाद में बेंड करेगा वो बात सही है, ठीक है। तो ये तो सारे थे इसके एजम्पशन। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका जो कॉलम है, ठीक है, इसमें किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कंप्रेशन नहीं होगा तो किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है वो मैं बताता हूँ। तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये बैंड होगा कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस प्रकार से बैंड होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैंड हुआ है तो यहाँ से इसका बेंडिंग चालू हुआ है और नीचे नीचे में इसका जो एंड खत्म होने वाला था उससे पहले ही मैं इस कर्व को कवर कर दिया हूँ, इसका मतलब है कि ये पूरा नीचे तक के बैंड नहीं होता, थोड़ा पहले तक के बैंड होता है, ठीक है। तो अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है, अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है, आप देख सकते हैं, अगर हमारे कॉलम की टोटल लेंथ एल है कुछ इस तरीके से, ठीक है,
तो ये वाला जो लेंथ है, तो ये वाला जो लेंथ है हमारा, ये कहलाएगा LE, L स्मॉल ई, स्मॉल ई, LE, इसका मतलब है इफेक्टिव लेंथ। जहां तक कि आपका कॉलम इफेक्ट किया है उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।